अस्सलामुअलैकुम। आज मैं अपने ऑर्नामेंटल फ्लावर्स और प्लांट्स में वर्मी कंपोस्ट ऐड करूंगा। ये 100% ऑर्गेनिक होती है और ये घर पे भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैंने मार्केट से 50 kg का पैक खरीदा था। अब देखिए कैसी वर्मी कंपोस्ट से हमारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं इनमें कलर साइज मेंटेन्ड रहता है। और हम अभी आपको दिखाएंगे कि ये कैसे हम अपने फ्लावर्स में ऐड करते हैं। देखिए ये फ्लावर सूखा हुआ है, इसकी जो ऊपर वाली मिट्टी है इसमें पानी की ज़रूरत है। मैंने जो पिछले वाला वीडियो अपलोड किया था जब मैं हाउ टू गिव वाटर टू ऑर्नामेंटल प्लांट, उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, अब मैं कर रहा हूँ। तो आप देखिए भी हम दिखाते हैं। स्टूल में इतना सा वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए लाया और आप इसमें पूरे स्टेम के साइड में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें गुड़ाई करनी है। अब इस प्लांट में वर्मी कंपोस्ट और ऊपर वाली सॉइल यूनिफॉर्मली मिक्स हो चुकी है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे जिससे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये रूट की तरफ जाएंगे और ये एब्जॉर्ब होंगे। ये ज़रूरी है कि पानी डाले इसके बाद, क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता अगर ये ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि ये रूट से एब्जॉर्ब होते हैं। तो अब इसमें हम लगभग 1 लीटर पानी डालेंगे। अभी ये वाला पानी एब्जॉर्ब होने के बाद इसमें दूसरी बार पानी डालेंगे। आज इनमें कम ही पानी देना है ताकि नीचे से न्यूट्रिएंट्स लीक ना हो, होल से, नीचे वाले होल से न्यूट्रिएंट्स ड्रेन ना हो सके। Thank you.